अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मरियम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मेरे ट्रैवल व्लॉग से जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। अभी ये पहला दिन ही चल रहा है, व्लॉग दूसरा है, लेकिन ये डे अभी पहला ही चल रहा है। मैंने कुछ भी कट नहीं किया, मैंने जितना भी शूट किया है और जितने भी व्लॉग्स बनते हैं वो सारे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी हम आए हैं यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे। मुसा नीचे उतरो। वो देखो अंदर चला गया। कोई बात नहीं, जाने तो अंदर ही जाने। हाँ हाँ, चलो वो देखो कुछ साल। बहुत मीठा मैंगो है आम है भैया, कच्चा वाला है मीठा वाला है। वो देखो मुसा साल, इधर आओ बाबा, पिक्चर ले मुसा बनी की। हाँ आराम से शूज उतारे, इनके भी जूते उतारे। चलो वली, इधर दुआ मांगते हैं। अभी हम जा रहे हैं हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, और आप लोग भी जब ज़ियारत करें तो प्लीज़ दुआ ज़रूर करिएगा। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी दुआ करिएगा और सारी उम्मत के लिए भी दुआ करिएगा। इनका मज़ार भी नज़दीक ही था तो हमने सोचा ये भी विज़िट कर लेते हैं, इसके बाद हमने खाना खाना है। ये पाप हमारा कैसा? अच्छा नंबर जो है 30 मिनट। इनकी कब्र काफ़ी लंबी थी और इनका मज़ार भी पहले भी विज़िट किया हुआ है और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी विज़िट किया हुआ है। एक और नबी हैं यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनका मैंने विज़िट नहीं किया पहले, इंशाल्लाह इस बार उनका भी विज़िट करेंगे, वो भी किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बाहर ये गार्डन सा बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और साथ में मस्जिद भी है, तो सब मर्द हजरात ने वहाँ पर नमाज पढ़नी है, अभी हम बस उसी का वेट कर रहे हैं। ये देखें, अभी हम हज़रत इमरान के मज़ार से होकर आए, इधर सामने ही तो यहाँ पर गर्मी है। पहले जब पहले जिस जगह पे गए थे हज़रत अय्यूब के मज़ार, वो ज़रा ऊंचाई पे था, उधर मौसम ठीक था, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। जवाद अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं अंदर, हम लोग आके बैठ गए गाड़ी में, बहुत गर्मी है भाई।
और ये ह्यूमिडिटी की वजह से बालों का भी बुरा हाल हो गया, लेकिन मैं स्ट्रेट करके आई थी, फिर फ्रिजी हो रहे हैं। अली मुसा, अली मुसा, फाइनली अब हम खाना खाने आए हैं जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। चल चल के घूम फिर के ज़्यादा भूख लग रही थी और वैसे भी टाइम भी हो गया था खाना खाने का। जवाब गाड़ी पार्क कर रहे थे और पार्किंग हमें ज़रा दूर मिली थी, वॉक करके जाना था रेस्टोरेंट, लेबनीज रेस्टोरेंट आई थिंक कोई नाम मैंने पूछ लिया था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को लेकर वॉक करके चलती हूँ, मैं आपसे पहले पहुँचती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और इन्होंने रोड पे रुकना नहीं था और इधर उधर भागना था, इससे बेहतर मैं इनको लेकर वॉक करना शुरू कर दूँ। तो अभी मैं बस इनको लेकर जा रही हूँ बच्चों को, तो मैंने सोचा साथ साथ शूट भी करते हैं। और आई थिंक ये वाला रेस्टोरेंट है नाम मैंने पूछ लिया था, इसके अंदर चलते हैं और टेबल अभी फ़िलहाल हम बैठ जाते हैं जहाँ पर भी बैठना है, फिर सब जब आ जाएंगे तो फिर डिसाइड होगा कौन सा टेबल लेना है। आई थिंक यहाँ पर सेपरेट नहीं है कैबिन और ये वाला रेस्टोरेंट है, चलते हैं अंदर और आपको भी साथ लेके चलते हैं। चलिए जी, खाने से फारिग होने के बाद एक और काम करना है, जाना है बच्चों के लिए टॉयज़ लेने हैं। सुबह से जवाब इनको कह रहे हैं कि मैं टॉयज़ लेके दूंगा, क्योंकि जब भी वो तंग करते थे तो बस यही कह देते थे कि टॉयज़ लेके देंगे, बाबा आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। अभी वली भी इतना ज़्यादा तंग कर रहा है कि मुझे टॉयज़ चाहिए और कुछ खाने पीने की बच्चों के लिए स्नैकिंग की चीज़ें लेनी है, इसके बाद ये काम भी करना है। हाँ बाबा अभी आते हैं ना, फिर चलते हैं बाहर से मिलो, अभी वेट करो, इधर आओ। अरे वेट वेट वेट, कुछ ऑर्डर करो आप, चलो इधर पहले सिट डाउन। चलो ऑर्डर करो। खाना खाने के बाद हम लोग सुपरमार्केट गए थे, करीब में ही थी तो वहाँ पर मैंने शूटिंग किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी। और ये देखिए इतनी खूबसूरत कैटल दी हुई है इन्होंने। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर।